हेलो गाइस, आज जन्माष्टमी है जैसे कि, तो आज हम बाला जी को तैयार करेंगे, फूल से नहलाएंगे, फिर हम रात को ले जाएंगे बाहर मंदिर में ले जाएंगे कान्हा जी को। तो आज आज के लिए आपको जन्माष्टमी की थैंक यू। ओके, सो जैसे कि आपने छोटे कान्हा से सुन लिया है कि आज जन्माष्टमी है और 16 तारीख को हमारे घर लड्डू गोपाल आए हैं, तो इसलिए मतलब आज उनका तीसरा दिन है। और जैसे कि प्राण प्रतिष्ठा होती है तो पहले अनाज से, फिर सब्जी से, फिर फल से, फिर फूल से। तो आज फोर्थ डे हैं और आज फूल से कान्हा जी को हम ढक के रखेंगे, फिर रात को उनको नहलाएंगे पंचामृत से और फिर उनका नामकरण भी रात में हो जाएगा। तो मतलब कान्हा जी एकदम सही दिन पे आए कि जन्माष्टमी के दिन ही प्राण प्रतिष्ठा पूरी होगी उनकी और फिर उसी दिन से उनका जन्मदिन मनाएंगे आज से। जिसे ढक के रखा था, जैसे मैंने बोला पहले सब्जी से रखा था, मतलब सॉरी पहले अनाज से रखा था, फिर उसके बाद सब्जी से। सो आप फल फ्रूट से वो ऑलरेडी कान्हा जी ढके हुए हैं तो हम उसको हटाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमने फूल, मतलब ये ताजे फूल हैं, बाहर ऐसा हो सकता है कि जैसे क्या पता वो बासी फूल दे दें, इसलिए मैंने वो फूल लिए हैं जो मम्मी ने, मतलब हमारे छत पे ही हम लोग छोटी सी बगिया है, मम्मी करती रहते हैं प्लांटिंग वगैरह, तो उसी की वजह से। सभी को बोलो राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, जय कृष्णा, ठीक है। अब मैं फूल से उनको ढके फिर बताती हूँ, ठीक है। और जब मैं उनका श्रृंगार करूँगी, निशान करेंगे। बेस्ट पार्ट पता है क्या, जब से कान्हा जी आए हैं, बेस्ट पार्ट ये है कि जब से कान्हा जी आए हैं हम तीनों जल्दी जग जाते हैं। आज के दिन भी ये दोनों जल्दी उठ गए थे, मुझे उठा रहे थे, मौसी उठ जाओ कान्हा जी को, आपको काम नहीं करना है, आपको उनका ढकना नहीं है उनको फूलों से। लेकिन आज मैं छुट्टी थी, दूसरा कि फूल इतनी जल्दी खिलते नहीं है ना, तो मैंने कहा फिर मुझे थोड़ी देर सोने दो, उसके बाद करेंगे। हम रेडी हैं, कान्हा जी भी रेडी हो रहे हैं। पंडित जी का सामान रेडी है, तो ये है हमारे कान्हा जी, इनकी पट्टी भी हम अभी नहीं खोलेंगे क्योंकि हमें इनकी पट्टी हम रात को खोलेंगे, पट्टी खोलेंगे रात को, श्रृंगार कराएंगे, फिर मतलब अब हम इनको फूलों से ढकेंगे। ये भी हमारे यहाँ पे ये सारे फूल लगे हुए हैं, मम्मी ये वाले फूल और हैं बड़े वाले, गेंगे ना आधा तो फूल ही से ढक गया कान्हा जी, पूरा फूल से ढकना। अरे हाँ, तो पर बड़े फूल से आधा ढक गया ना कान्हा जी, बेनिफिट है उस फूल का, छोटे फूल से क्या ढकेंगे, फूल भी नहीं है हमारे यहाँ। 7 8 9 अभी भी चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है कान्हा जी का फूल से ढकने का, पूरा नहीं हुआ है, उसके लिए चल रहा है, पूरा हो जाएगा। वैसे पूरा ढकना है, उसके बाद उसमें आगे का कार्य। जैसा कि आज कान्हा जी का जन्मदिन है, जन्माष्टमी है, तो अब हम कान्हा जी को खोलने जा रहे हैं और उनके कपड़े पहनाएंगे। पहले हम उनको स्नान कराएंगे घी से, चीनी से, शहद से, दही से, दूध से, और फिर उनको नहला के
अच्छे से साफ वाफ करके हम उनको कपड़े पहना के सजाएंगे, उनका बिस्तर उनको बिस्तर में सुलाएंगे। आप देखो काफी दिनों से ऐसे ही उनको धक धक के रखा है, दादा जी परेशान हो गए होंगे, बल्कि इतने दिनों से धक्के तो उनको तो साल भी नहीं आए होंगे जोर से धक्के, वो परेशान हो गए होंगे, मन तो मुझे बैठ गए सुना है सुना है, तो इसलिए आज हम उनकी इच्छा पूरी कर रहे उनके जन्म। वो आप देख सकते हैं ये रहा बैग और ये रहा उनके बाल, ये देखिए और ये रहे उनके वस्त्र। जैसा कि आप देख सकते हैं स्नान के बाद उनको यही पहनाया जाएगा। नहीं अभी स्नान के बाद ये नहीं पहनाएंगे, अभी जब स्नान होता है जैसे एक बेबी का जन्म होता है ना तो डायरेक्टली ऐसे कपड़े नहीं पहनाते ना, तो अभी उनको नॉर्मल कपड़ों में रखेंगे पहले, फिर ये पहनाएंगे। फूल उनके ऑलरेडी कम हो गए हैं, ये जानते हैं फूल मुरझा जाते हैं इसलिए ऐसे हो गए हैं। कोई नहीं अब तो वैसे भी उनको हटना है यहाँ से। हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरी, अभी इसमें हम स्नान कराएंगे। हाँ अभी उनकी पट्टी अभी नहीं खोलेंगे क्योंकि उनको स्नान के बाद उनके दर्शन कराएंगे सबसे पहले ना। चुबा के खुलो अंदर चाहते रखो ना, किसी की कटोरी बस गिरना नीचे, अभी वहां पकड़ लीजिए। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे जी। अब हम राधे चिलगंज पंचायत, अब हम राधे शहर, ये कृष्णा जी का साइन हुआ। कृष्णा जी तो शैम्पू से नहाने के बाद खुश हो जाएंगे, बोलेंगे बाबा शैम्पू से नहला दिया मुझे बाबा। ये नहीं छूटने वाला, कैसे छुटा देंगे। अब मैं क्या, अब हम क्या करेंगे, अब हम आपसे थोड़ी देर बाद मिलते हैं क्योंकि अब हम कान्हा जी की पट्टी खोलेंगे और उसमें सबसे पहले उनका चेहरा वही देखेंगे, तो आपको बाद में मिलते हैं, बाय बाय। कान्हा जी का स्नान हो गया है, अब आप जानते हो डायरेक्ट उनको ऐसे कपड़े नहीं पहनाएंगे ना, जब बच्चे का जन्म होता है तो उनको नॉर्मल ऐसे कपड़े में लपेट लिया जाता है, तो ऐसे किया मैंने, अब इनका श्रृंगार करूँगी और फिर आगे देखते हैं। ब्राउन है।
दादी आपका भाई भी है इधर छोटा सा, तो वो अभी आराम कर रहे हैं, इसे आप देख सकते हो। और कुछ छोटे हैं उनसे छोटा भाई होगा, वो आपको देख के हो जाएंगे। बलराम भी खरीद लेंगे हम। बलराम कहीं मिलते हैं? बलराम जी हैं? हाँ, कान्हा जी जहाँ मिलते हैं वहाँ मिलते हैं। ओके, तो अभी देखो अभी ये आधा काम हुआ है ना, अभी आपको हम थोड़ी देर बाद फिर मिलेंगे, फिर से जाएंगे। कान्हा जी इज रेडी। कैसे लग रहे हैं? सुंदर लग रहे हैं ना? अब फिर रात में एक बार वहाँ पसंद का श्रृंगार करेंगे इनको नहला के। और हमारे कान्हा जी का जन्म तो आज ही हुआ है ना, एकदम सही दिन पे आए हैं कान्हा जी हमारे घर, है ना? कैसे लग रहे हैं दोनों भाई? क्यूट्यू क्यूट्यू। रेडी। और हमारे पास कान्हा जी के भक्त टुक्कु भी हैं। और ये देखो चुक 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 चुक, राधे राधे, हरे कृष्णा। तो गुस्सा करता है, तेरे को कुछ बोलना नहीं आता बुद्धे। ये देखिए अभी कान्हा जी टुक टुक अभी गुस्सा हो रखा है। कान्हा जी का भक्त गुस्सा नहीं है, वो गुस्सा नहीं है, उसको नींद आ रही है। आपको गलत फहमी हो रही है। क्यों? वो तो उसको नींद आ रही है इसलिए वो ऐसे लग रहा है। तो आपको नींद आ रही है क्या? तो आप देख सकते हैं कान्हा जी यहाँ पे रेडी हैं। और अभी इनको लड्डू भी चढ़ाया जाएगा और शाम को अभी इनका बर्थडे भी सेलिब्रेट किया जाएगा। तो तब तक लिए हमारे साथ बने रहिए। राधे राधे। आओ मन मोहना जी मीठा खा जाओ, आओ मन मीठा खा जाओ। लो कान्हा जी खा लो खा लो खा लो, आप भी खा लो छोटे कान्हा जी, बाल गोपाल खा लो। उनको ही खिलाओगी क्या? और नहीं तो क्या? मुझे थोड़ा सा बाइक क्यों? अभी तो आपका जन्म हुआ है, पानी भी तो पी लो। छोटे बाल गोपाल पी लो पानी, अभी आपके हम चाय बनाएंगे, फिर हम चाय बनाएंगे आपको। ओके, अब इनको पूछूंगी फिर इनको ड्रेस पहनाऊंगी। A few minutes later, अक्षतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम राम नारायणम। तो फाइनली कान्हा जी का जन्म हो चुका है और दोनों भाई साथ में हैं। अभी लोग सो जाएंगे और हम भी सो जाएंगे क्योंकि सुबह उठना है, काम तो नहीं रुकेगा ना, काम तो होता रहेगा। सो राधे राधे, गुड नाइट सभी को, शुभ रात्रि। बाल गोपाल दोनों एक साथ सोएंगे आज से, दोनों भाई भाई। सो कैसे आप सभी लोग? गुड नाइट, टाइम से सो जाओ आप लोग भी और हम लोग भी सोने जाने इसलिए। Peace.